माय डियर किड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने चैप्टर 0 कंप्लीट कर लिया था एंड अब हम करेंगे अपने मैथमेटिक्स का चैप्टर 1, दैट इज नंबर्स। ओके, सो व्हाट आर नंबर्स बच्चों? नंबर्स में सबसे पहले आता है डिजिट्स। तो डिजिट्स क्या कहलाते हैं? अपने जितने भी 1 से लेकर 9 तक के जो डिजिट्स होते हैं, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सबको हम कहते हैं डिजिट। ओके, तो जो द सिंबल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स। यही जो डिजिट्स हैं, ये नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें हम कहते हैं डिजिट्स। ओके, और वी कैन राइट न्यूमरल फॉर एनी नंबर बाय यूजिंग दीज डिजिट्स। तो अपन न्यूमरल कोई भी नंबर का कैसे लिखेंगे? डिजिट्स का यूज़ करके। ओके, अब हमने अपने जो प्रीवियस क्लास है उसमें अच्छे से पढ़ लिया था कि 99 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 100। 99 अपनी 2 लार्जेस्ट डिजिट है। ओके, 2 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर क्या है? अपना 99। डिजिट्स क्या होती है बच्चों? 99। ओके, बट जब ये दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे तो ये नंबर बन गया 99। अब 99 में हम अगर 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन गया? 100। 101 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन गया? 101। 101 में 1 ऐड करेंगे तो 102। ओके, तो हमें क्या अपन को क्या याद रखना है? जब भी हम डिजिट्स को हम ऐड करते हैं तो वो नंबर बनता है, और नंबर में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो सेकंड नंबर बनेगा। ओके, लाइक 99 नंबर में जब हम 1 डिजिट ऐड करेंगे तो वो अलग नंबर बनेगा, दैट इज 100। 100 में 1 तो 101, 102, 109 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 109 आफ्टर 110, 110 आफ्टर 111, 150 आफ्टर 151, 199 में अपन 1 ऐड करेंगे तो 200 आ गया। ओके, तो जब हम 100 है, सपोज ये अपना एग्जांपल लिया गया है 100, तो 100 में जो 0 है, कौन सा वाला 0? राइट साइड से जो 0 है वो अपना होता है 1s, देन 10s, देन 100। ये अपनी प्लेस वैल्यू है बच्चों, ये याद रखना कि जो लास्ट वाला कोई भी डिजिट होता है तो वो होगा 1s में, देन 10s में, देन 100s में। ओके, फॉर एग्जांपल हम इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 150। तो 150 की प्लेस वैल्यूज क्या होगी? जो 0 होगा वो आएगा 1s में, जो 5 होगा वो आएगा 10s में, एंड जो 1 आएगा वो आएगा 100s में। ओके, सो ये अपनी प्लेस वैल्यू होती है। तो जब भी हम अपने नंबर्स 101 से 199 तक राइट करते हैं, द डिजिट एट द 100 प्लेस डजंट चेंज। अभी जैसे अपन ने देखा था, 101 से 199 के बीच में अगर कोई भी डिजिट आती है तो 100 वाली प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। ओके, ओनली द डिजिट्स एट 1s एंड 10s प्लेस, 1s प्लेस पे और जो 10s प्लेस पे होती है वही चेंज होगी। अगर यहाँ 152 होता तो 1s पे कौन सी हो जाती? 2 होती, बट 100s की सेम ही रहती। ओके किड्स, सो 201 का 200 प्लस 1, 201, 201 दैन 202, 209, 210, 299। अभी 99 जो है, आफ्टर 99 प्लेस वैल्यूज चेंज हो जाती है तो अपना मेक हो गया 300। ओके किड्स, तो ये आपका जो एक्सरसाइज 1 है वो इसी पे ही बेस्ड है, और जो एक्सरसाइज 1 का ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको अपनी कॉपी में भी राइट डाउन करना है। कैसे करोगे? 301 में 1 ऐड करें तो व्हाट कम्स आफ्टर 301 आफ्टर 1? 300 आफ्टर 301। ओके, 309 देन 310, 336 देन 337। ओके किड्स, दिस इज अ 399, व्हाट कम्स आफ्टर 99? यहाँ जो हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। व्हाट कम आफ्टर 3, 4 एंड 99, 00? तो 399 के बाद क्या आ गया? 400। वैसे ही सपोज इसमें 599 है तो 9 का नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 0 एंड 599 मीन्स 5 आफ्टर 6, तो ये अपना 600 बन गया। ओके किड्स, तो आपका ये जो एक्सरसाइज है वह आपको कंप्लीट करनी है। 1 ब्लॉक में आपको करा देती हूँ, एंड दिस 1 ब्लॉक विल बी योर होमवर्क। 400
एंड आफ्टर 401, 402 आफ्टर 483, 499 देन 500, ओके 499, 4 आफ्टर 5, 99 के आफ्टर 00, 500 आफ्टर 501. ओके माय डियर किड्स, सो एक्सरसाइज 1 विल बी योर होमवर्क, यू हैव टू डू इन योर कॉपी एंड फिल योर बुक आल्सो. ओके किड्स, एंड आर नेक्स्ट इज द नंबर 1000. अब अपन ने हंड्रेड्स तक पढ़ा था, बट नाइन जो अपने 1000 में है वो भी हम पढ़ेंगे. मैंने अभी आपको जैसे कि प्लेस वैल्यूज बताई थी कि लास्ट वाला नंबर होता है वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड, देन क्या आया अब अपना 1000. ओके, तो जैसे 99 के बाद 100 आता है, वैसे 999 के बाद अपना 1000 आएगा. ओके किड्स, तो जो 2 डिजिट है वो 3 डिजिट में चेंज हो गई, और जो 3 डिजिट है वो अब 4 डिजिट्स में हो जाएगी. तो 1000 को आप रीड 1000 ही करेंगे, एंड 999 इज 999, ये 3000 है और ये 4 डिजिट्स में कन्वर्ट हो गई. और ये पॉइंट्स रिमेंबर अच्छे से याद रखना, जो लास्ट डिजिट होती है राइट से फर्स्ट प्लेस, अपना राइट हैंड कौन सा है ये, और इससे जो फर्स्ट प्लेस है वो अपना क्या कहलाती है वंस, सेकंड प्लेस अपनी कहलाती है टेंस, थर्ड प्लेस अपनी कहलाती है हंड्रेड्स, एंड फोर्थ विल बी 1000. तो 1000 वंस को अपन कैसे लिखेंगे, पहले वन को अपन लिखेंगे 100 टेंस, ये 100, ठीक है 100 टेंस, फिर हंड्रेड्स एंड 1000. ओके किड्स, सो सबसे पहले अपना आता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000. तो ये राइट से चलता है वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000. तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू, और आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी 999 या 999 नंबर आता है, जैसे 999 है तो वो 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर अपना 999 हो जाएगा. ओके, तो जब अपन 999 करेंगे उसका नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 3 डिजिट में आ जाएगा, दैट विल बी 100. ओके माय डियर किड्स, सो आप अच्छे से ये चैप्टर पढ़िएगा, इसका एक्सरसाइज 1 जो है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको अपनी कॉपी में भी करना है. ओके माय डियर किड्स, होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और आप अपनी बुक में एक बार अच्छे से रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके माय डियर किड्स, थैंक यू, स्टे एट होम, बी सेफ.